हेलो गाइस, स्वागत है पेनेडियम दोस्तों। तो कल लॉन्च हो चुका है हमारे बीच वन प्लस नाइन सीरीज, जहां पे आ चुका है दोस्तों वन प्लस नाइन, नाइन आर और नाइन प्रो। प्राइसिंग वगैरह भी हमारे सामने आ चुके हैं गाइस, और लगभग में जितने स्पेसिफिकेशंस वगैरह हमने आपको बताए थे स्टार्ट से, वही कुछ आपको 9R में, 9 और 9 प्रो में देखने को मिले हैं। अब गाइस बहुत लोगों के मन में ये चीज़ आ रही है, अब नए फ़ोन के लिए अगर स्विच करना है तो 8T ले या फिर 9R ले, अगर बजट 40,000 है। तो गाइस अगर मैं आपको ये चीज़ क्लियर करूँ कि गाइस अगर आपको वन प्लस 9R और 8T में कौन सा लेना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। साथ के साथ दोस्तों वन प्लस 9 और 9 प्रो के बारे बताएं, 49,000 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली प्राइसिंग है दोस्तों वन प्लस 9 की, 59,000 अप्रॉक्सीमेट प्राइसिंग है दोस्तों 9 प्रो की। स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसेसर है, हैसलब्लेड का लेंस वगैरह है, कैमरा वगैरह काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। वहीं दोस्तों अगर वन प्लस 9R और 8T की बात की जाए, बहुत कुछ सिमिलर है गाइस। अगर डिफरेंसेस की बात करें तो मिनिमम डिफरेंसेस है गाइस, लेकिन प्राइसिंग अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे बराबर सी दिख रही है अभी। जी हाँ दोस्तों, अभी के हाल में दोस्तों वन प्लस 8T 40,000 के अप्रॉक्स और वन प्लस 9R भी अप्रॉक्सीमेटली 40,000 के अप्रॉक्स आ रहा है। जहाँ भी दोस्तों अगर वन प्लस 9R के बारे में बात करें, तो दोस्तों वन प्लस 9 और वन प्लस 8T और 9R के बीच कुछ भी मेजर डिफरेंस नहीं है। स्क्रीन भी सेम है, फ्लूइड एमोलेड स्क्रीन है, 120 हर्ट्ज तक की रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिल जाती है। अगर प्रोसेसर की बात करें, स्लाइट चेंज है, वन प्लस 8T में आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 865 जो कि एक 5G प्रोसेसर है, वहीं दोस्तों वन प्लस 9R में आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 870। मिनिमम डिफरेंसेज अगर मैं बोलूँ तो दोस्तों बहुत ही मिनिमम डिफरेंसेज है। अगर वन प्लस 9R के बारे और कुछ बताऊँ दोस्तों, आपको कैमरा वगैरह के सेटअप्स वगैरह वन प्लस 9R और साथ के साथ वन प्लस 8T के बिल्कुल ही सिमिलर है। जी हाँ दोस्तों, 48 मेगापिक्सल का सेंसर, पीछे की साइड में फ्रंट कैमरा, सब कुछ सिमिलर है। पर दोस्तों अगर डिफरेंसेस की बात यहाँ पे करें, तो फ्रंट कैमरा में वन प्लस 9R में आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिलेगी, वहीं दोस्तों वन प्लस 8T में फ्रंट में दोस्तों सिर्फ 1080p की वीडियो रिकॉर्डिंग आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर मैं इमेज क्वालिटी की बात करूँ, OIS इफेक्ट वगैरह सब कुछ सेम है वन प्लस 8T और वन प्लस 9R में। प्रोसेसर और साथ के साथ ये कैमरा के, फ्रंट कैमरा के वीडियो रिकॉर्डिंग में अंतर छोड़ के कुछ भी मेजर डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलता है। तो ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूँ वन प्लस 9R अगर वैल्यू फॉर मनी चीज़ है, यानी ऑब्वियसली दोस्तों वन प्लस 9R एक बहुत ही बढ़िया फ़ोन निकल के आया है, जहाँ पे प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 870 है जो कि बहुत ही फास्ट प्रोसेसर है, अच्छा प्रोसेसर आपको दिया गया इस बार। और अकॉर्डिंग टू प्राइस रेंज वन प्लस 9 की जो आई है प्राइसिंग, थोड़ी सी मेरे को ज़्यादा लगी, क्योंकि वन प्लस 9R की अप्रॉक्सीमेट प्राइसिंग 35,000 तक होती तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता। वैसे दोस्तों वन प्लस 8T की भी प्राइसिंग अब गिरेगी अगर आप लेने का नया फ़ोन सोच रहे हैं। अगर आप 8T के लिए स्विच करना चाहते हैं तो दोस्तों वन प्लस 8T आने वाले कुछ टाइम में 36 या फिर 35 तक हो जाएगा। वन प्लस 9R की अभी जो प्राइसिंग आई है उस पर दोस्तों 4,000 का मे बी आपको SBI क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज़ करते तो कैशबैक वगैरह देखने को मिलता है, जो कि स्लाइट एक अच्छी चीज़ है कि अगर आप फर्स्ट सेल या फिर ऐसे में लेते हैं दोस्तों वन प्लस 9R में आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब 40,000 के आप देख लो 4,000 का कैशबैक अप्रॉक्सीमेटली 36,000 तक देखने को मिलेगा, जो कि अप्रॉक्सीमेट प्राइसिंग में आपको स्टार्ट से बता के आया हूँ उसको। तो ऑल इन ऑल अगर सेटअप्स वगैरह में ज़्यादा अंतर नहीं है तो दोस्तों वन प्लस 8T लीजिए या फिर 9R लीजिए, मेजरली सब कुछ सिमिलर है। वहीं 65W की चार्जिंग वगैरह सब कुछ सिमिलर है। अगर वन प्लस 9 के लिए स्विच करना चाहते हैं, हेजलब्लेड का लेंस यूज़ करना चाहते हैं, तो दोस्तों यू हैव टू पे अप्रॉक्सीमेटली 49,000। बाकी थोड़ा सा महंगा तो वन प्लस 9 अप्रॉक्सीमेटली 45 के अप्रॉक्स या फिर 43 के अप्रॉक्स आना चाहिए था। तो गाइस जैसा भी ये नीचे कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा ये फोन लॉन्च इवेंट, अगर आप देखे होंगे तो नीचे कमेंट करके जरूर से बताइए। आज की वीडियो का यही बनाया, होप आपको अच्छी लगी वीडियो, अच्छी लगी दोस्तों लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।